मेरा नाम राजीव मिश्रा है और मैं यहाँ चंदनवन मथुरा का निवासी हूँ। मेरी जो ग्रैंड डॉटर है तन्विता, ये अपनी मदर को प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी रेनबो हॉस्पिटल आगरा में, और उस समय उसका जन्म के समय वजन 1 किलो 200 ग्राम के करीब था। उसके बाद ये वहाँ पे 1 महीने तक NICU में एडमिट रही। करीब 1 महीने और 4 दिन वहाँ रखने के बाद हमें जब पता चला कि हमारे शहर मथुरा में सिटी हॉस्पिटल में सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित एक बढ़िया NICU है, जहाँ पर कि सभी प्रकार के बच्चों की ऐसे नियोनेटल्स की देखभाल होती है, तो हमने ये निश्चय किया कि हम क्यों ना अपनी ग्रैंड डॉटर का इलाज मथुरा में ही कराएं। और यहाँ आकर के हमने इसको भर्ती किया। उसके बाद इसको YPAP पे रखा गया 4 दिन तक। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उस समय भी इसका वजन केवल 1 किलो 200 ग्राम ही था। उसके बाद यहाँ पे जो चिकित्सकों की टीम थी और दूसरा स्टाफ था, उन्होंने काफ़ी मेहनत से उसकी देखभाल की, और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही जल्दी इसको YPAP से 3-4 दिन में हटा दिया गया, और धीरे धीरे 1 हफ्ता के अंदर इसकी ऑक्सीजन भी डिसकंटिन्यू हो गई, और जल्दी से इसने वजन गेन करना शुरू किया। वेट गेन करने के पश्चात 1 किलो 800 ग्राम की जब ये हो गई, और उसका जो है ऑक्सीजन लेवल भी ब्लड में अच्छा हो गया, बढ़ गया, पूरी तरह से ये स्वस्थ हो गई, तो इसको यहाँ से डिस्चार्ज मिल गया। हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद कहना चाहेंगे सिम्स हॉस्पिटल मथुरा की पूरी टीम को, जिन्होंने अथक प्रयास के द्वारा हमारे घर में ये खुशी प्रदान की, और जो हमारी ग्रैंड डॉटर है उसको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिला। मैं स्पेशली इस समय पे थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर गोयल को। उन्होंने बराबर दिन में आके 2-2, 3-3 बार मेरे बच्चे को देखा, और उसको जो है उसको स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द मिले उसके लिए अपना पूरा प्रयास किया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर नितिन गोयल है। मैं सिम्स हॉस्पिटल में NICU इंचार्ज हूँ। बेबी तन्विता हमारे पास 1 मंथ की एज पर आई थी, उस समय इसका वजन 1200 ग्राम था, और इसको काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन था, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। एक्सरे में भी राइट साइड में बहुत बड़ा निमोनिया का पैच था। इसको हमने अपने NICU में रखा। इसको स्टार्टिंग में हमने 3 से 4 दिन CPAP लगाया। उसके बाद इसको काफ़ी समय तक ऑक्सीजन डिपेंडेंसी रही। धीरे धीरे करके इसकी ऑक्सीजन को हमने विड्रॉ करना स्टार्ट किया। इन्फेक्शन इसका कंट्रोल होता गया। इसका दूध हमने स्टार्ट किया, शुरू में नली से दिया दूध इसको, उसके बाद धीरे धीरे ट्यूब से और स्पून से दूध पिलाना स्टार्ट किया। 1200 ग्राम से लेकर 1800 ग्राम तक इसको हमने धीरे धीरे करके कोशिश किया इसका वज़न बढ़ाने का। अराउंड 20 डेज के अंदर इसका हम 1800 ग्राम का टारगेट अचीव कर पाए। फिर इसको हमने सक्सेसफुली डिस्चार्ज किया। आज हमारे पास ये फॉलोअप में आया है। अभी 7 डेज में इसका वेट करीब 200 ग्राम और इंक्रीज़ हो गया है। इस समय इसका वेट 2 kg के अराउंड पहुँच चुका है। बेबी बिल्कुल परफेक्ट है, अपनी मदर से दूध पी रही है आराम से, एंड शी इज़ डूइंग वेल।